नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बिजनेस न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मोबाइल ग्राहकों की संख्या में तेजी से इजाफा, संख्या बढ़कर 112.5 करोड़ हुई। और रुपया 10 पैसे टूटा, रुपया गिरकर 83.14 प्रति डॉलर की अपने सर्वकालीन निचले स्तर पर। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 10 पैसे की गिरावट के साथ 83.14 प्रति डॉलर के अपने सर्वकालीन निचले स्तर पर आ गया। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और अमेरिकी मुद्रा में मजबूती से रुपए की धारणा प्रभावित हुई। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि डॉलर के 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से बुधवार को भारतीय रुपए में गिरावट आई है। इसके अलावा कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का भी रुपए पर असर पड़ा है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 माह अप्रैल से अगस्त के दौरान बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति 6% बढ़कर 32.45 करोड़ टन से अधिक हो गई। एक साल पहले इसी अवधि में बिजली क्षेत्र को 30.77 करोड़ टन कोयला भेजा गया था। इस साल अप्रैल से अगस्त तक बिजली क्षेत्र को कोयला आपूर्ति 32.45 करोड़ टन थी, जो पिछले साल की इसी अवधि में 30.77 करोड़ टन की तुलना में 5.8% अधिक है। खदानों, ताप बिजली संयंत्रों और पारगमन में कुल कोयला भंडार 31 अगस्त को 8.6 करोड़ टन था, जो एक साल पहले के 6.87 करोड़ टन से 25% अधिक है। जनरल इंश्योरेंस ने ओला इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन ईवी के साथ एक्सीडेंटल वारंटी प्रोडक्ट के लिए साझेदारी की घोषणा की है। एक्सटेंडेड वारंटी प्रोडक्ट और कंप्रेसिव कवर के तहत बैटरी लाइफ और इलेक्ट्रिक वाहन के विभिन्न कलपुर्जों यानी मोटर, कंट्रोलर, चार्जर और बैटरी के लिए कवरेज दिया जाता है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर आनंद सिंह ने कहा कि दोनों कंपनियों की संयुक्त ताकत का लाभ कारोबार बढ़ाने के रूप में मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारी बीमा योजना ओला इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों की अलग अलग तरह की जरूरतें पूरी करती है। ओला इलेक्ट्रिक के चीफ बिजनेस ऑफिसर अंकुश अग्रवाल ने उम्मीद जताई है कि इस करार से ईवी की बिक्री बढ़ेगी। सऊदी अरब और रूस साल के अंत तक प्रतिदिन 13 लाख बैरल कच्चा तेल उत्पादन में स्वैच्छिक कटौती को आगे बढ़ाएंगे। यह घोषणा तब हुई जब सऊदी क्रूड की धीमी कीमतों को बढ़ाने के लिए उत्पादन में एक तरफा कटौती कर रहा है। घोषणा के तुरंत बाद बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.21 डॉलर चढ़कर 10 महीने के उच्च स्तर 90.21 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। पिछले साल अक्टूबर के बाद यह पहली बार है जब कच्चे तेल की कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। दूरसंचार क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एरिक्सन ने एक रिपोर्ट में कहा कि जून 2023 की तिमाही में भारत ने दुनिया भर में सबसे अधिक मोबाइल ग्राहक जोड़े हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार समीक्षा 3 तिमाही के दौरान दुनिया भर में कुल 4 करोड़ ग्राहकों की वृद्धि के साथ कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या 8.3 अरब हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान भारत में सबसे अधिक शुद्ध 70 लाख ग्राहकों की वृद्धि हुई है। इसके बाद चीन 50 लाख और अमेरिका 30 लाख का स्थान रहा। रिपोर्ट के अनुसार 2023 के दूसरे तिमाही में भारत में मोबाइल ग्राहकों की संख्या बढ़कर 112.5 करोड़ हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आगे डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। मोबाइल ग्राहकों की संख्या में तेजी से इजाफा, संख्या बढ़कर 112.5 करोड़ हुई। और रुपया 10 पैसे टूटा, रुपया गिरकर 83.14 प्रति डॉलर की अपने सर्वकालीन निचले स्तर पर। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।